subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज भूली बिसरी कहानियां में हम आपको बताएंगे फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की कहानी। मधुबाला के पास हर कुछ था, दौलत, शोहरत, तमाम ऐशो आराम, और ये तमाम चीजें मधुबाला ने अपने दम पर हासिल किया था। लेकिन ऐसा क्या था जिसकी तमन्ना मधुबाला को मरते दम तक था? बला की खूबसूरत इस हीरोइन को आखिर किसका इंतजार था? वो कमी, वो इंतजार था सच्ची मोहब्बत का। यूं तो मधुबाला की जिंदगी में इश्क ने कई बार दस्तक दिया, और देता भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। लेकिन फिर भी मधुबाला के हाथ हर बार मोहब्बत में नाकामी ही मिली। कहते हैं बचपन में हर किसी को एक बार प्यार जरूर होता है। मधुबाला को भी हुआ लतीफ से, जो आगे चल के एक आईएएस अफसर बने। ये उस वक्त की बात है जब मधुबाला दिल्ली में रहा करती थी, और लतीफ और मधुबाला बचपन के दोस्त थे। लेकिन मधुबाला का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, तब ये बात लतीफ को सबसे ज्यादा नागवार गुजरी थी। कहते हैं मधुबाला ने बिछड़ते वक्त लतीफ को अपने प्यार की निशानी लाल गुलाब दिया था, और उस लाल गुलाब को लतीफ ने बड़ा संभाल के रखा था, और मधुबाला की मौत के बाद उस गुलाब को उनके कब्र पर चढ़ा दिया। यही नहीं, लतीफ हर साल उनकी पुण्य तिथि पर उनके कब्र पर गुलाब जरूर चढ़ाते थे। लतीफ के बाद भी उन्हें जिंदगी में कई बार प्यार हुआ, उनसे दूर भी हो गई। कमाल अमरोही से मधुबाला शादी करना चाहती थी, लेकिन कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे, यानी कि उस समय की एक और मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी को तलाक नहीं देना चाहते थे, और मधुबाला दूसरी बीवी बनने को राजी न हुई। जब मधुबाला को लगा कि कमाल अमरोही अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे, तब मधुबाला ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। उसके बाद भी मधुबाला का नाम प्रेमनाथ और जुल्फिकार अली भुट्टो से जुड़े, लेकिन ये रिश्ते ज्यादा चल नहीं पाए। फिर मधुबाला की जिंदगी में वो शख्स आया जिससे मधुबाला को ही नहीं, उस शख्स को भी मधुबाला से बेहद मोहब्बत थी, और ये जोड़ी अगर कामयाब होती तो फिल्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी होती। वो शख्स सुपरस्टार दिलीप कुमार थे। दिलीप साहब और मधुबाला एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके बीच मधुबाला के पिता आ गए, जो दिलीप कुमार से मधुबाला की शादी के खिलाफ थे। चूंकि मधुबाला अपने घर की इकलौती कमाने वाली थी, और उनके पिता को डर था दिलीप कुमार से शादी के बाद मधुबाला अपने परिवार को नहीं देखेंगी। दिलीप साहब और मधुबाला के पिता के बीच की तकरार इस रिश्ते के खत्म होने का कारण बन गई, और उसके कुछ वक्त बाद ही मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली। हालांकि किशोर कुमार के परिवार ने मधुबाला को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। किशोर कुमार और मधुबाला हनीमून के लिए लंदन गए, और वहीं डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास उनकी जिंदगी के अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी, उनके दिल में सुराख था। किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए एक फ्लैट कार्टर रोड बांद्रा में खरीदा, और कुछ वक्त दोनों वहां साथ रहे। फिर किशोर कुमार उन्हें अकेला छोड़ चले गए। मधुबाला अपनी बीमारी से जूझते हुए तन्हाई में रहने को मजबूर हो गई। हालांकि किशोर कुमार महीने 2 महीने में उनसे मिलने आया करते थे, लेकिन इससे मधुबाला का दर्द कम ना हो सका। और ऐसे ही अपने प्यार के इंतजार करते करते आखिर 1969 में उन्होंने महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये थी खूबसूरत दिलकश मधुबाला की कहानी, और ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों के लिए देखते रहें वार्तालाप टीवी।